नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है हेल्थ साइकिल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जो दांत में कीड़ा लग जाता है, दांत में दर्द होता है, उसको ठीक करने का एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, आपको थोड़ा खाने के बाद, मटन वगैरह खाने के बाद या कुछ नॉनवेज खाने के बाद दांतों में काफ़ी चीज़ होती है, या ठंडा खाने के बाद काफ़ी चीज़ होती है, दर्द दर्द मचता है आपके दांतों में। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके आपने बहुत सारे टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे, मगर वो कहीं ना कहीं आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको लेनी होगी लौंग, आपको 1 से 2 लौंग लेनी है। उसके लौंग के अंदर भी आप लौंग उस वाली ये वाली लौंग लें जिसके अंदर ये जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो होता है इसके ऊपर कैप, एक सा इसका ताज जैसा जो होता है, ये वाली लौंग लेनी है आपको। आपको ऐसी लौंग नहीं लेनी जिसके ऊपर ये ना हो, ठीक है? तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इन लौंगों का पाउडर बना लेना है अच्छे से। इनका पाउडर बनाने के बाद आपको ये लेना है चुटकी में, और जहाँ आपको दर्द हो रहा है आपको उस दांत में रख लेना है, और दूसरे दांत ऊपर दांत दूसरे दांतों की मदद से उसको एकदम दबा के रख लेना है, और मुंह में जो आपके राल बनेगी उसे थूकना नहीं है, उसे अपने मुंह में ही रखना है। तो ऐसे 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर आपके दांत का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपके दर्द बिल्कुल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, दर्द बिल्कुल जो आपका पता ही नहीं चलेगा कि आपको दर्द भी हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं जिनके दांतों में कीड़ा लग जाता है, जिसे कहते हैं सड़न हो जाती है, काला सा निशान पड़ जाता है आपके दांतों में, ये जो कीड़ा लगता है इसको हटाने के लिए मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है दोस्तों। तो उसमें करना क्या है, आपको उसमें लेनी है आपको लौंग, लौंग लेनी है आपको, दूसरा लेनी है आपको फिटकरी, एलम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और आपको तीसरा लेना है ये तेल, सरसों का तेल चाहिए आपको, थोड़ा सा सरसों का तेल चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, लौंग का और फिटकरी का एकदम सफूक बना लेना है, सफूक मतलब एकदम पाउडर बना लेना है आपको। बिल्कुल पाउडर बनाने के बाद आपको करना क्या है, उस पाउडर के अंदर जो लौंग और फिटकरी का पाउडर होगा उसके अंदर आपको 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल मिलाना है। उसमें सरसों का तेल मिलाने के बाद आपको अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद आपको अपना ब्रश लेना है, जिससे आप रोज यूज करते हैं, आपको वो ब्रश लेना है, टूथ ब्रश लेना है। उसको आप पेस्ट की तरह लेंगे, आप एकदम पेस्ट बन जाएगा जब आप इसके अंदर सरसों का तेल मिलाएंगे और ये पाउडर मिला लेंगे, तो बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, अपने टूथ ब्रश से उसको उठाना है और अपने दांतों पे उसकी मालिश करनी है, जहां पर कीड़ा लगा है वहां अच्छे से क्लीन करना है, बहुत अच्छे से इस तरह से आपको 5 से 6 मिनट करना है। करने के बाद आपको उसका कुल्ला नहीं करना है, उसको आपने अपने मुंह में ही रखना है, और ऐसा आप रात में करें खाना खाने के बाद कुल्ला करके, तब आपको ये करना है। तो दोस्तों आप देखेंगे सुबह उठकर आपके दांतों का कीड़ा बहुत कम हो गया होगा, बिल्कुल गायब हो गया होगा। इसी तरह से 1-2 दिन के अंदर आप ये क्रिया चालेंगे तो आपका कीड़ा बिल्कुल। तो दोस्तों कामना करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलता है न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।